अपनी विचारधारा है, हर जथेबंदी की अपनी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से मतलब वो अपना संघर्ष करती है, और हर एक जथेबंदी का अलग अलग जो संविधान है उसी मुताबिक जो आपसी मतभेद हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो मतभेद बड़े हैं हमारे। और जहाँ पे मुद्दों की बात है, मुद्दे हमारे सेम हैं, जो पिछला 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार ने लागू किए थे उन पे हमारी एक सांझ बनी थी कि कम से कम हम 3 ये जो कानून रद्द कराने के लिए और चौथा जो MSP स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए इन पे कटोकट हमारी जिहड़ी सहमति वो बननी चाहिए, उस पे हम इकट्ठे थे। डब वाली बॉर्डर पे हमने ऑलरेडी एक जिहड़ा मोर्चा वो लगा रखा है, उस पे काफ़ी संख्या में किसान वहाँ अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके वहाँ पे पहुँचे हैं, और एक हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की वो 6 मेंबरी कमेटी बनी है, वो तालमेल कमेटी, वो भी मतलब बातचीत कर रही है उनसे, डल्लेवाल साहब से, पंधेर साहब से, पन्नू साहब से बात कर रही है, और जो भी वो एक्शन लेंगे उसके लिए हमें सत्ता पत्र देंगे, हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अपनी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बनाई गई है कमेटी भी, हम सभी इकट्ठे होके इस आंदोलन को आगे लेके जाए, और मतलब हमारा दुश्मन बड़ा है और हमारी मांगे हैं उसको मनवाने के लिए सभी को इकट्ठा होने पड़ेगा, तभी हमारी बात जी है वो सुनी जा सकती है। दिल्ली जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी पहले पंजाब में अलग अलग जथेबंदियाँ थी, अलग अलग फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही थी, पर वह एक खतरा बड़ा था वो 3 कृषि कानूनों का, उस पर सबको मतलब एक मत होना पे, और सभी ने इकट्ठे होके तभी हम वो 3 जो कृषि कानून है उनको मतलब रद्द कराने में सफल हुए।